कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले। आज अपने ना वार्षिक परीक्षा के लिए सेट सी का पूरा सॉल्यूशन, जी हाँ ये देख लीजिए कॉपी में लिखा हुआ पीडीएफ के थ्रू मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। आप तो अच्छे से समझना बस और अच्छे तैयारी करना है ना। जिस बच्चे को वास्तव में 90% से ज़्यादा बनानी है, इन बच्चों की तरह बनानी है, तो आप सोल्व करके एक बार जरूर इस पेपर को एग्जाम हॉल में चले जाइएगा, है ना। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? देखिए तापमान का जो मात्रक होता है ना, वो तो केल्विन। क्या है? केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला रहेगा आपका NaH4 2SO4। एसआई पद्धति में भार का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसे हम कैपिटल N से भी प्रदर्शित करते हैं। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग जो होती है उसे वो होती है पराध्वनि तरंग। चलिए अब है रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में सोडियम लिक्विड गैस तरंगों के रूप में संचरित होती है। यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये आपका कौन सा है? तीसरा है, सोडियम लिक्विड गैस, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गति का नियम सर्वप्रथम डेडेस ने दिया था, न्यूटन ने। वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है तो शीतलता, पदार्थ डेडेस अवस्थाओं में पाया जाता है, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है पदार्थ, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना है आपको, है ना। आपको जिनको बच्चे को अच्छे से नंबर चाहिए ना, बिल्कुल जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कर लो, जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक जो है ये आ जाएगा आपका रक्त। त्वरण का जो मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, तो ये आपका दूसरा जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम, देखिए फांसे फल और फांसे फ्लोएम, फल मतलब भोजन, ठीक है। तो ये आपका जाएगा चौथा फ्लोएम। एरोसोल, कुहारा कुआसा और बादल, ये पांचवा जाएगा। और बल, बल का जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। दाब का एसआई मात्रक लिखिए, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक, ये संवेग का जो मात्रक है, चलिए तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? इसके लिए इसके लिए रे ना काइमा, कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम बताना है तो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है माइटोकांड्रिया। किसी वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो यहां त्वरण होगा शून्य। अब देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता,
तो ये आपका असत्य बनेगा। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें तो आप बिल्कुल सत्य रख देना, पढ़ लेना थोड़ा सा आप, है ना, अब इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा असत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, और छठे की बात करें तो ये आपका बिल्कुल राइट रहने वाला। चलिए, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन की जवाबदारी मेरी है, बहुत ही जल्दी इनका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। निलंबन के दो गुणधर्म लिखिए, कोलाइड के गुणधर्म लिखना है आपको, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या, परमाणु संख्या या समस्थानिक को समझाइए, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण समझाइएगा। क्लोरीन के दो समस्थानिकों के नाम सूत्र, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 है, ये 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद में ये यहां से 21।